हेलो दोस्तों, चलिए आज आपको बताता हूँ कि स्प्लिट एसी में जब इंडोर यूनिट में आवाज़ आती है तो कहाँ से आवाज़ आ सकती है। ये आप देख रहे हैं, जब मैंने एसी खोल कर देखा इंडोर यूनिट तो उसमें ब्लोअर नट नहीं लगा था, तो मेरा ये लड़का ब्लोअर नट टाइट कर रहा है। पूरा फुल मजबूत अच्छे से कर लेगा, तो उसके बाद चला के आपको दिखाएंगे आवाज करता है या नहीं करता है। देख रहे हो, वो आपको दिख रहा होगा टाइट कर रहा लड़का। अरे हमारा पेचकस हो गया था, हम लोग छोटे टेस्टर से उस ब्लोअर नट को टाइट कर रहे थे। देख सकते हैं लड़का फिर से मेहनत कर रहा है। असल में ना नीचे से जगह नहीं बन पा रही है, इसलिए हम लोग काम वहाँ पर नहीं हो पा रहा भाई। एक बार ब्लोअर चेंज हो चुका है इसलिए आवाज़ आ रही है। उसने भी ये ब्लोअर लगाया था, उसने सही से नहीं लगाया था, नट नीचे पड़ा हुआ था इसलिए आवाज़ आ रही थी। हम लोग लगवाएं जैसे ही तो इसका नट, ये जो इसके ऊपर अलमारी के ऊपर पड़ा हुआ था, तो हम लोगों ने देखा भाई, बोला कि ब्लोअर मोटर का नट लगा नहीं। कस्टमर ने बोला हाँ ब्लोअर मोटर का नट लग रहा, निकल गया। हम लोगों ने ब्लोअर मोटर का नट लगा दिया है। अब एटीएम चलाते हैं, देखते हैं। अपने भाई को कुछ डाउट हो रहा है, इसके अभी भी चेकिंग कर रहा है, देखते हैं। ये एसी चल गया हमारा, लग रहा है जाके चेक कर रहा है, लेकिन जाके चेक कर रहा है कि आवाज़ आ रही है कि नहीं। हम लोगों को तो नहीं लगता, देखो एसी अब चल गया, ठीक है। अब एसी कहीं से आवाज़ नहीं आ रहा, सुनिए। देख सकते हैं सब एकदम साइलेंट चल रहा है, अब कोई आवाज़ नहीं है। पहले आवाज़ बहुत तेज आवाज़ कर रहा था, जो भी एसी चला रहे थे रात में सो नहीं पा रहे थे भाई लोग। अब ये हमारा भाई हट रहा, मुस्कुरा रहा है, चेहरा बन गया, बोल रहा है वीडियो बना रहे हो क्या। ये अपने साजर भाई हैं, क्योंकि ओल्ड आज का एसी था, किसी का ब्लोअर नट नीचे पड़ा हुआ था इसलिए आवाज़ आ रही थी। अब हम लोग अभी ड्रेन पाइप ड्रेन ट्रॉली पड़ी हुई है नीचे, तो इसको लगा के था बांध के उसी करेंगे। और नई वीडियो अच्छी लगी हो तो अगर सबसे जरूर करिएगा।